कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आलू का जोड़ना, आलू का घटाना, एक आलू में दूसरे आलू को घटाना, एक आलू में दूसरे आलू को जोड़ना और गुणा करना इत्यादि सिखाएंगे। अब तक हमने आपको आलू की सब परिभाषाएं लिखवाई और कुछ प्रश्न करवाए उनके ऊपर। अब ये जोड़ना और घटाना सिखाएंगे आलू का और गुणा करना। पहला है ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5, सी बराबर -2 5 3 4। अब इसका पहला खंड है ए प्लस बी, तो ए हमारा 2 4 3 2 प्लस बी 1 3 -2 5। पहले अभी अब मैं दूसरी आलू का पहला अंक जोड़ते हैं 2 प्लस 1, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, ये हमारे दो आलू का योग आ गया। ये 2 बाय 2 का आलू है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 4 3 7 3 में 2 1, 5 और 2 7, ये हमारा ए प्लस बी आ गया। दूसरा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए 2 4 3 2 -b, बी है 1 3 -2 5, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, उसमें जुड़ रहे थे इसमें घटेंगे। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से भी माइनस है, इसमें से घटेगा प्लस और 2 -5, ये आ गया 1 1 5 -3, ये आ गए माइनस बी। तीसरा भाग है इसका ये माइनस सी, ए की 3 में गुणा होगी पहले, फिर माइनस सी, सी हमारा -2 5 3 4, तो 3 की गुणा 2 से 3 की गुणा 4 से 3 की गुणा 3 से, प्रत्येक पद में 3 की गुणा हो जाएगी, 5 3 4 3 6 4 3 12 3 9 3 6 -2 3 5 4 6 -2 -5 -12 -5 -3 6 -4, ये आ गया 8 9 3 6 12 5 6 7 6 4, ये आ गया 3 -3। अब ये महत्वपूर्ण है, गुणा थोड़े ध्यान से देखेंगे इसे, ए बी यानी ए की गुणा बी से। हमने पहले ए लिख लिया और बी लिख लिया, दोनों का गुणा है, तो इसका गुणा कैसे करते हैं? पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से करते हैं, पहले 2 की 1 से, प्लस 4 की -2। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 2 की 3 से, प्लस 4 की 5 से। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से 3 की 1 से, प्लस 2 की -2 से, 3 की 3 से यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से 3 की 3 से, 2 की 5 से। अगर पंक्ति और स्तंभ ध्यान से नहीं समझा तो नहीं समझ में आएगा किसकी किस से। ये हॉरिजॉन्टल सब पंक्ति और वर्टिकल जो है वो स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति है 2 4, इसका स्तंभ है 1 - 2, पहले पद की पहले पद से, प्लस दूसरे पद की दूसरे पद से, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 की 3 से, 4 की 5 से। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से 3 की 1 से, 2 की -2 से, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से 3 की 3 से, प्लस 2 की 5 से। अब इन्हें हल कर लेते हैं, यह हमारा 2 1 2 4 2 8, 2 3 6 4 5 20, 3 1 3 2 2 4, 3 3 9 5 2 10, अभी आ गया -6 -1 26 और 20। अब इसका पांचवा खंड है बी, अब उल्टी गुणा करनी है, बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है,
प्रोसीजर वही रहेगा जो अभी हमने आपको बताया, एक की दो से, तीन की तीन से, यानी पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, एक की चार से प्लस तीन की दो से, माइनस दो की दो से प्लस पाँच की तीन से, और माइनस दो की चार से पाँच की दो से, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, एक की दो से प्लस तीन की तीन से, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, एक की चार से प्लस तीन की दो से, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से माइनस दो की दो से प्लस पाँच की तीन से, दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से माइनस दो की चार से प्लस पाँच की दो से, यह आया दो नौ चार पंद्रह चार छः आठ दस, ये आ गया हमारा नौ दो ग्यारह, पंद्रह में चार गए ग्यारह, छः चार दस, दस में साठ गए दो, ये आ गया बीए, ये आ गया ए। निम्नलिखित को प्रकलित कीजिए यानी हल कीजिए, पहला खंड है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ए को ए में जोड़ेंगे, पहले पद को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, यह टू ए टू बी जीरो टू ए। दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी माइनस टू ए सी माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आ गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसर अब ये तीन बाई तीन की मैट्रिक्स है, तो प्रोसीजर वही है, पहले को पहले में जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, पांचवी को पांचवी में, छठे को छठे में, सातवें पद को सातवें में, आठवें को आठवें में, और नौवें को नौवें में, ग्यारह सोलह पाँच, सात चार ग्यारह पाँच दस, जीरो सोलह पाँच इक्कीस पाँच और चार, ये आपका योगफल आ गया। चौथा खंड है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तरीका वही रहेगा, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन, ऐसे चारों वन हो जाएंगे। आंसर इसका पहला खंड है गुणाकार नियम के सभी खंडों में ए बी माइनस बी ए, इस सवाल में हम दो बाई दो, दो बाई तीन, तीन बाई तीन स्टार की जो भी आदि हैं उनकी हम गुणा करके आपको बताएंगे, ये दो बाई दो का है, तो क्या होगा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से ए की ए से प्लस बी की बी से, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से ए की माइनस बी से गुणा, और बी की ए से, यहाँ दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से माइनस बी की ए से ए की बी से, फिर माइनस बी से प्लस ए की ए से, बस गुणाई ध्यान रखनी है, ज़्यादातर गुणा के सवाल आते हैं आपके आगे में, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से, और दूसरी पंक्ति की दूसरी स्तंभ से, यह आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, और माइनस वन
ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है एक दो तीन और दो तीन चार, एक की दो से ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो एक की तीन से एक की चार से दो की दो से दो की तीन से दो की चार से तीन की तीन से तीन की चार से दो चार छ तीन छ नौ चार आठ बारह, ये आपका वर्णफल आ गया। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति एक स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति पहले स्तंभ से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पहले स्तंभ से दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से तीसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से। अब ये तीसरा खंड है एक माइनस दो दो तीन एक दो तीन दो तीन एक, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से एक की एक से प्लस माइनस दो की दो से पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से एक की तीन से माइनस दो की एक से। अब इसकी दो 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 की एक से तीन की दो से दो की दो से तीन की तीन से दो की तीन से तीन की एक से एक माइनस चार दो छः दो माइनस छः चार प्लस नौ माइनस दो छः प्लस तीन माइनस तीन आठ माइनस चार तेरह एक नौ। ये तीन बाई तीन की बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें मत कट जाती है थोड़ी सी, इसको बहुत दिमाग से ध्यान से सोच के लिखना है आपको। पहली पंक्ति ये है तीन बाई तीन की होनी है दो की एक से तीन की जीरो से चार की तीन से, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से हो गए गुणा, पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ से दो की तीन से माइनस तीन से तीन की दो से चार की जीरो से। अब पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से एक एक निपट लेते हैं दो की पाँच से तीन की चार से चार की पाँच से, एक पंक्ति की गुणा निपट गई तीन स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से तीन की एक से चार की जीरो से पाँच की तीन से तीन की माइनस तीन से चार की दो से पाँच की जीरो से, अब तीन की पाँच से चार की चार से पाँच की पाँच से। अब तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से चार की एक से पाँच की जीरो से छः की तीन से चार की माइनस तीन से पाँच की दो से छः की जीरो से चार की पाँच से पाँच की चार से छः की पाँच से। अभी आया आपका दो जीरो बारह तीन जीरो पंद्रह चार जीरो अठारह माइनस छः प्लस छः प्लस जीरो माइनस नौ प्लस आठ प्लस जीरो माइनस बारह प्लस दस प्लस जीरो दस बारह बीस पंद्रह सोलह पच्चीस बीस बीस तीस, ये आ गया आपका बारह दो चौदह चौदह पंद्रह तीन अठारह अठारह चार बाईस जीरो माइनस एक माइनस दो बीस और दस तीस और दस चालीस बयालीस। अब जो हो गए हमारे
पाँच और छः ग्यारह, पाँच सोलह, तीन चार पाँच, पच्चीस पंद्रह चालीस और दस छप्पन, और ये हो गए हमारे बीस और बीस चालीस और तीस सत्तर। पांचवा है दो एक तीन दो और माइनस एक एक, एक जीरो एक माइनस एक दो एक। अब पहली पंक्ति की पहली स्तंभ से दो की एक से प्लस एक की माइनस एक से, दो की जीरो से प्लस एक की दो से, दो की एक से प्लस एक की एक से, तीन की एक से उधर दो की माइनस एक से, तीन की जीरो से उधर दो की दो से, तीन की एक से प्लस दो की एक से। अब माइनस एक की एक से प्लस एक की माइनस एक से, माइनस एक की जीरो से एक की दो से, माइनस एक की एक से प्लस एक की एक से। यह आ गया आपका दो माइनस एक, तीन माइनस दो, माइनस एक, जीरो दो, जीरो चार, जीरो दो, दो प्लस एक, तीन प्लस दो, माइनस एक प्लस एक, एक माइनस दो, दो चार दो, तीन पाँच। इसका आंसर छठा सवाल है तीन माइनस एक तीन, माइनस एक जीरो दो, दो माइनस तीन एक जीरो तीन एक। अब पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से तीन की दो से, माइनस एक की एक से, तीन की तीन से, तीन की माइनस तीन से, माइनस एक की जीरो से, तीन की एक से। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से माइनस एक की दो से प्लस जीरो की एक से प्लस दो की तीन से, माइनस एक की माइनस तीन से, जीरो की जीरो से प्लस दो की एक से। तीन दूनी छः एक प्लस नौ, माइनस दो प्लस जीरो प्लस छः, माइनस नौ प्लस जीरो प्लस तीन, प्लस तीन प्लस जीरो प्लस दो। यह आ गए हमारे नौ और छः पंद्रह में से एक चौदह, छः में दो में चार, माइनस नौ में तीन में माइनस छः, तीन में दो। क्वेश्चन नंबर चार है यदि एक दो माइनस तीन, पाँच जीरो दो, एक माइनस एक एक, बी है तीन माइनस एक दो, चार दो पाँच, दो जीरो तीन, सी है चार एक दो, जीरो तीन दो, एक माइनस दो तीन, वो तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी को प्रकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लें, काम आएंगे यहाँ मान लगाने के लिए। ए प्लस बी एक पाँच एक, दो जीरो माइनस एक, माइनस तीन दो एक, प्लस तीन चार दो, माइनस एक दो जीरो, दो पाँच तीन। ये हम पहले ए प्लस बी निकाल रहे हैं, पहले पहले में जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे में जोड़ेंगे, तीसरे को तीसरे में जोड़ेंगे, चौथे को चौथे में, पाँचवें को पाँचवें में, छठे को छठे में, सातवें को सातवें पद में, आठवें को आठवें में, नौवें को नौवें में। ये आपका एक प्लस भी आ जाएगा, तीन और एक चार, पाँच और चार नौ, एक और दो तीन, एक दो माइनस एक, माइनस एक सात चार, ये प्लस भी आ गया, ये माइनस सी। ये हमारा तीन चार दो माइनस एक दो जीरो, दो पाँच तीन, माइनस सी है चार जीरो एक, एक तीन माइनस दो, दो दो तीन, तीन माइनस चार, माइनस एक दो माइनस दो, चार माइनस जीरो दो माइनस तीन, पाँच माइनस दो, दो माइनस एक प्लस दो हो जाएगा, तीन माइनस तीन, माइनस एक चार एक,
अब हमें ये सिद्ध करना है प्याज ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी बन चले। ये है हमारी एक पाँच एक दो जीरो माइनस एक माइनस तीन दो एक। अभी हमने बी माइनस सी निकाला है, ये एल एच एस लेना है, फिर आर एच एस लेने बराबर आ जाएगा। बी माइनस सी क्या है, माइनस एक चार एक माइनस एक दो जीरो तीन जीरो। अब ए प्लस बी हमने पहले निकाला था, ये चार नौ तीन एक दो माइनस एक सात चार और माइनस सी। सी है हमारी चार जीरो एक एक तीन दो माइनस के और दो दो तीन, ये बराबर आने चाहिए दोनों साइड। एक माइनस एक दो माइनस दो माइनस तीन जीरो, पाँच चार जीरो माइनस एक दो प्लस तीन, एक प्लस एक माइनस एक प्लस दो एक प्लस जीरो बराबर चार माइनस चार एक माइनस एक माइनस एक माइनस दो नौ माइनस जीरो दो माइनस तीन सात माइनस दो तीन माइनस एक प्लस दो चार माइनस तीन जीरो जीरो माइनस तीन नौ माइनस एक पाँच दो एक एक जीरो जीरो माइनस तीन नौ माइनस एक पाँच दो एक एक एल एच एस बराबर आर एच एस एच टू। क्वेश्चन नंबर छह सरल कीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा की पहले चारों अभियान बैठिए इनसे गुणा होगी, ऐसी साइन थीटा जिसमें पूरी दूसरी आगे में गुणा होगी। कॉस की कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कट गए दोनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन जीरो जीरो वन। क्वेश्चन नंबर सात है, एच तथा वाई ज्ञात कीजिए, यदि एच प्लस वाई बराबर सात जीरो दो पाँच एच माइनस वाई बराबर तीन जीरो जीरो जीरो। पहला खंड है हमारा एच प्लस वाई बराबर सात दो जीरो पाँच और एच माइनस वाई बराबर तीन जीरो जीरो तीन। जोड़ने पर बाई से बाई कट गया, टू एक्स बराबर सात दो जीरो पाँच प्लस तीन जीरो जीरो तीन, टू एक्स बराबर सात प्लस तीन जीरो प्लस जीरो दो प्लस जीरो पाँच प्लस तीन, टू एक्स बराबर दस दो जीरो आठ, एक्स बराबर दस दो जीरो आठ, एच बराबर दस बटे दो दो बटे दो जीरो बटे दो
समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण एक से एक्स प्लस वाई बराबर 7205 एक्स का मान रख सकते हैं या पहले वाई बराबर लिखेंगे 7205 माइनस एक्स, वाई बराबर 7205 माइनस एक्स 5104 7 - 5 - 0 - 0 2 - 1 5 - 4 वाई बराबर 2101 एक्स का मान आ गया हमारा 5104 वाई का मान आ गया 2101 आंसर। दूसरा आ गया 2x + 3y = 2 3 4 0 3x + 2y = 2 - 1 - 2 5 पहले इनके किसी एक के जो गुणांक हम को बराबर करेंगे एक्स के या वाई के, अगर हम पहले एक्स का मान निकालना चाहते हैं तो वाई को गुणांक करेंगे समीकरण एक में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो जाएगा 4x + 6y + 6 8 0 9x + 6y - 3 - 6 15 हटाने पर 6y से 6y कैंसिल नॉट तो ये हो जाएगा 9 - 4 + 5x बचेगा -4 8 6 0 - 6 - 3 - 6 15 ये जाएगा -5x = 4 - 6 6 + 6 8 + 3 और 0 - 15 -5x = -2 8 और 3 11 12 - 15 अगर हम माइनस चलो x = -1/5 -2 11 12 - 15 तो हम इसको लिख सकते हैं -2/-5 12/-5 11/-5 और -15/-5 x का मान आ जाएगा हमारा 2/5 -12/5 - 11/5 और 5 × 3 = 15 ये आ गया हमारा x का मान। x का मान निकाला तो y के गुणांक को बराबर किया, अब हम किसी एक समीकरण में x का मान रख सकते हैं लेकिन इसको और सरल तरीके से करना चाहते हैं तो इस बार हम x के गुणांक बराबर कर दें तो हमारा सीधा y का मान आ जाएगा। तो x के गुणांक बराबर करने के लिए इसमें 3 से समीकरण 1 में समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 3 6 + 3 3 9 3 6 3 3 9 3 4 0 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 5 10 हटाने पर अबकी बार में एक्स कट गए 9 - 4 = 5y 6 12 - 9 0 - 4 - 2 - 4 10 तो आ गया आपका 5y = 6 - 4 9 + 4 12 + 2 0 - 10 इसमें किसी का मान नहीं रखना पड़ा, हमारा सीधा y का मान आ जाएगा कि सरल तरकीब है 6 - 4 = 2 12 + 2 = 14 9 + 4 = 13 - 10 y बराबर आ गया 1/5 2 14 13 - 10 भाग करना चाहें तो कर सकते हैं 2/5 13/5 14/5 - 10/5 तो y का मान आ गया हमारा 2/5 14/5 और 13/5 और 5 × 10 - 1 तो अतः x और y के मान आ गए हमारे 2/5 14/5 13/5 - 2 प्यारे भैया बहनों आज हमने आपको कुछ
जोड़ घटा गुणा, दो आदमियों के जोड़ दो आदमियों के घटाना, दो आदमियों के गुणा करना है, सवाई के मान ज्ञात करना है इत्यादि सवाल आपको कराए, उन्हीं के ऊपर कुछ हमने आपको गृह कार्य दिया है, उनको ध्यान से पढ़कर हल कीजिए और ग्रुप में डालिएगा। कल फिर अगली कक्षा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।